बैक टू अवर चैनल जहाँ मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त प्रज्ञा लाई हूँ। आपकी अपडेट हमारे नेक्स्ट मैच की, जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे होने वाले मैच एट चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। जी हाँ, जहाँ बात करें ग्रीन शर्ट वाले पाकिस्तानियों की, तो भैया कैप्टन बाबर आजम की पूरी नज़र है अगली जीत पर। ऑल दो इस बार इनका रिकॉर्ड बहुत बुरा जा रहा है, ये इंडिया से भी हारे, अफगानिस्तान से भी, मगर अभी उम्मीद करें कि भैया कुछ अगला मैच ये जीत सकें, जो कि मुझे दूर दूर तक जीतते नहीं लग रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्गर टीम। लास्ट मुंबई में होने वाले बांग्लादेश के साथ के मैच में उन्हें करीबन 149 रनों से हरा कर आए, तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड पॉइंट टेबल की टॉप टीम के लाइक रैंकिंग में चल रही है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो कैप्टन बाबर आजम का पूरा ध्यान ये है कि बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर वो कुछ अच्छा स्कोरिंग दे पाएँ, सारी चीज़ें कर पाएँ। साउथ अफ्रीका को हराने के सपने तो देख रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये करने में लाइक दैट विल बी पॉसिबल। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंटायर बेस्ट स्क्वाड एंड एवरीथिंग, तो पहले हम चलते हैं की बैटर्स एंड सारे प्लेयर्स की बात करें। पाकिस्तान की तरफ से की बैटर्स खुद कैप्टन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, वहीं बॉलर्स की बात करें शहीन अफरीदी एंड शादाब खान। साउथ अफ्रीका की बैटर्स की बात करें क्विंटन डिकॉक एंड एडन मार्करम, नो डाउट एडन मार्करम इज डूइंग परफेक्ट दिस टाइम। एंड की बॉलर्स की बात करें तो कगिसो रबाडा एंड जेराल्ड कोट्सी। वहीं नाउ टॉकिंग अबाउट वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन की बात करें तो मौसम विल बी सनी एंड ब्रीदी। पिच की बात करें तो पिच इज लाइक यहाँ पर रन बनाना आसान है, बट आई विल से दोनों ही टीम दोनों ही जल्दी जल्दी टॉस जीत के बनाने के चक्कर में पड़ेंगी, तो जो भी टीम टॉस जीतती है उसका ध्यान है कि हम भैया टॉस जीत जाएं और बॉलिंग चूज कर लें। तो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करना इज लाइक बेटर ऑप्शन, एंड 270 के कम के अंदर के स्कोर पर अगर सामने वाली टीम को उन्होंने जो भी टीम रोक लेगी उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ माई फेवरेट पार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेडिक्शन, तो आई विल से लाइक जिस हिसाब से पूरा सिनारियो चल रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के इस साल के मैचेस वगैरह में, तो आई विल प्रेडिक्ट साउथ अफ्रीका विल डेफिनेटली विन, एंड बिकॉज प्लेयर्स ऑब्वियसली एडन मार्करम की वजह से। फॉर मोर अपडेट की फॉलोइंग द लिंक गिवन ऑन माय स्क्रीन बिलो। बाय बाय।